मैम, आप सभी का अपने चैनल गार्डन ऑफ ड्रीम्स में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो गार्डनिंग तो करना चाहते हैं, लेकिन इस डर से नहीं करते हैं कि उनके प्लांट्स खराब ना हो जाएं। जानकारी के अभाव में उनको पता नहीं होता कि उनकी केयर कैसे करनी है, और वो नर्सरी से ऐसे प्लांट्स ले आते हैं जो कि 2-4 महीने चलने के बाद में खराब हो जाते हैं। तो आज मैं बिगनर्स के लिए कुछ ऐसे प्लांट्स बताऊंगी जो कि इजी टू ग्रो हैं और बिल्कुल लो बजट में, मैं कहूं कि 0 बजट में हैं तो गलत नहीं होगा। तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट्स और शेयर भी करिएगा। और हाँ, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जिस प्लांट की बात करूंगी वो है कोलियस का प्लांट। कोलियस एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और कटिंग से बहुत ही आसानी से लगने वाला है। ये देखिए, ये मैंने सब कटिंग से ही लगाए हुए हैं। ये देखिए, ये भी कटिंग से लगा हुआ है, यह भी कटिंग से लगा हुआ है और यह भी। फरवरी और मार्च एक ऐसा मंथ होता है कि आप कटिंग से प्लांट को आसानी से लगा सकते हैं। इनका ग्रोइंग पीरियड होता है और आप आसानी से इनको लगा सकते हैं, और आपको नर्सरी से खरीदने की जरूरत भी नहीं है। आप अपने किसी आस पड़ोस से या किसी रिश्तेदार से या फ्रेंड सर्कल में जिनके पास ये प्लांट होते हैं, आप उनसे ला सकते हैं, तो आपको खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार यदि आपका ये प्लांट लग जाता है तो काफ़ी समय तक आपके पास रहेगा और आप एक प्लांट से कई प्लांट बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने एक प्लांट से कितने सारे प्लांट बनाए हुए हैं, और मैंने टेरेस पर भी काफ़ी सारे प्लांट कोलियस के रखे हुए हैं। तो दोस्तों, आप भी ज़रूर कोलियस के प्लांट को लगाइएगा कटिंग से। और देखिए, इन सब की, जितने भी प्लांट्स मैं आपको आज बता रही हूँ, इन सब की वीडियो केयर के बारे में, टिप्स के बारे में, और कटिंग से कैसे इनको लगाना है, इनकी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। और यदि आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से जरूर देखिएगा कि इनको कैसे लगाया जाता है। सेकेंड नंबर पर मैं बात करूँगी जेड प्लांट की। इसको नकी प्लांट भी कहते हैं और बहुत ही आसानी से लगने वाला प्लांट है कटिंग से। आप या तो फरवरी मार्च में इसकी कटिंग लगाइए या इधर रेनी सीजन में भी ये आसानी से चल जाता है। ये देखिए, मैंने कटिंग से लगाया हुआ है। इसमें आप देखिए, न्यू लीव्स जो हैं वो आने लगी हैं। इधर भी मैंने कटिंग से लगाए हुए हैं। वैसे तो इसकी पत्तियां जहां गिरती हैं वहां भी ये प्लांट बन जाते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसकी आप छोटी सी कटिंग कहीं से भी ले लीजिएगा और आप इसको अच्छी सॉइल में लगा दीजिएगा, तो आपका प्लांट जो है काफ़ी बुशी भी हो जाएगा और आप उससे कई प्लांट बना सकते हैं। तो ये दो प्लांट मैंने आपको बताए हैं, अभी और प्लांट बताऊंगी। चलिए दूसरी तरफ चलते हैं। अब मैं अपनी बालकनी में आपको कुछ और प्लांट्स दिखाती हूँ जो कि इजी टू ग्रो हैं और बहुत ही आसानी से कटिंग से लगने वाले प्लांट्स हैं। तो थर्ड नंबर पर मैं बात करूँगी इस बोर्ड प्लांट की। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, देखने में बेहद खूबसूरत और इतनी आसानी से लगने वाला है कि अगर आप एक प्लांट इसका लगा देंगे तो देखिए, इसके नीचे से कई सारे, ये देखिए, बेबी प्लांट बनते रहते हैं। आप इनसे कितने, एक प्लांट के आप 50-100 कितने भी प्लांट्स बना सकते हैं। देखिए कितना बुशी है। नीचे से इसकी लीव्स जो है पर्पल कलर की होती हैं, ऊपर से ग्रीन कलर की। ये बोर्ड प्लांट, ये भी कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है और बिगनर के लिए जो है बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप ज़रूर इस प्लांट को अपनी बालकनी में जगह दीजिए। ये देखिए, मैंने बोर्ड प्लांट हैंगिंग बास्केट में भी लगाया हुआ है। हैंगिंग के लिए भी ये अच्छा ऑप्शन है। ये देखिए, आप हैंगिंग में लगा सकते हैं और फैल जाता है। इधर मैंने वर्टिकल गार्डनिंग में इधर टेरेस पर इधर लगाया हुआ है स्टैंड में। ये भी बोर्ड प्लांट का है और आसानी से फैलने वाला प्लांट है। अब मैं बात करूँगी पर्पल हर्ट की। पर्पल हर्ट एक ऐसा प्लांट है जो बहुत ही सुंदर प्लांट लगता है, अलग ही हटकर प्लांट होता है। पर्पल लीव्स होती हैं इसकी, और ये मैंने अभी ही कटिंग से लगाया है और इसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप लोगों ने जरूर देखी होगी। इसको कटिंग से कैसे लगाया जाता है वो आप वीडियो में देखिएगा। और कटिंग से बस आप इसकी जहाँ लगा देंगे वहीं ये अच्छे से ग्रो कर जाता है। हैंगिंग बास्केट में लगाइए, उसमें भी बहुत अच्छे से लग जाता है। और
फोर्स की देखिए आप लोग ज्यादा मत सोचिए, आपको घर में जो भी चीज मिल जाती है, ये देखिए मैंने इसको यहाँ से कटिंग करके इसमें लगा दिया है, ये भी पर्पल हर्ट है। तो इस तरीके से आप भी कोई भी चीज यूज करके अपने प्लांट लगा सकते हैं जीरो बजट में। जिनको शौक है वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके लगा सकते हैं। देखिए इसमें भी मैंने थोड़ी सी इसकी स्टेम लगाई थी और स्टेम में देखिए लीव्स शुरू हो गई है आनी। ये भी मैंने प्लास्टिक की कोई केन होती है उसको कलर करके इस तरीके से इसमें लगाया हुआ है। दोस्तों आप भी इस तरीके से कटिंग करके कितने सारे प्लांटों को बना सकते हैं। वो पर्पल हर्ट को मैंने देखिए इसमें भी लगाया हुआ है, ये देखिए इसमें तो फ्लावर भी आए थे, लेकिन इसके फ्लावर जो है वो एक ही दिन चलते हैं, उसके बाद मुरझा जाते हैं। लेकिन इसकी लीव्स इतनी सुंदर हैं, अपने में बहुत ही अच्छी लगती हैं लगी हुई, तो ज़रूर इसको आप लगाइएगा। और लास्ट नंबर पर मैं जिस प्लांट की बात करूँगी वो है सबका प्यारा मनी प्लांट पैथोस। इसको सभी जानते हैं, कई वैरायटी इसमें आता है, गोल्डन कलर में भी होता है और ग्रीन डार्क ग्रीन कलर में भी होता है। तो ये देखिए इस समय अच्छी ग्रो कर रहा है, छोटा सा था जब मैंने इसको खरीदा था, अब इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। छोटी सी कटिंग से आप देखिए यहाँ से इसकी कटिंग लेंगे, इसको कट करके आप किसी भी सॉइल में लगाइए या पानी में लगाइए, कांच की बोतल में लगाइए, अच्छे से ग्रो कर जाता है। मनी प्लांट तो मैंने कटिंग करके देखिए कितनी जगह लगाया हुआ है, हैंगी बास्केट में आप लगा सकते हैं। देखिए इसमें इसकी लीव्स काफ़ी बड़ी बड़ी आ रही हैं और अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसमें भी मैंने देखिए कटिंग से लगाया हुआ है, एक ही मनी प्लांट को मैंने कितनी जगह लगाया हुआ है। और देखिए आप भी ऐसे कटिंग से लगा सकते हैं, अपने गार्डन को हरा भरा बना सकते हैं। ये देखिए बड़ी लीव्स वाला मनी प्लांट, ये भी देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और मनी प्लांट तो घर में ज़रूर होना चाहिए, सभी लोगों को इसको अपने घर में जगह देनी चाहिए। और देखिए यहाँ भी मनी प्लांट, ये मैंने बिल्कुल अभी हफ्ता भर ही हुआ है इसको लगाए हुए, तो देखिए कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। वो छोटी सी स्टेम मैंने लगाई थी और ये देखिए आपको दिख रहा होगा इसकी लीव्स कितनी शाइनिंग कर रही हैं और देखने में काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। तो मैं समझती हूँ जो लोग गार्डनिंग में नए हैं और चाहते हैं कि हम गार्डनिंग करें वो भी जीरो बजट में, तो आप इन प्लांट्स को लगा करके देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा, आपके प्लांट बहुत अच्छे चलेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अभी और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि कटिंग से आसानी से लग जाते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बताऊंगी। आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसमें भी ऐसे ही इजी टू ग्रो प्लांट्स में आपको बताऊंगी जो कि बिगनर्स के लिए काफ़ी फायदे की साबित हो सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।